सभी भाइयों को, दोस्तों को, मित्रों को नमस्कार। और मनी मेकिंग शेयर की सीरीज़ में फिर से हम लोग एक वीडियो डालने जा रहे हैं और आज जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, एक लार्ज कैप सेगमेंट का स्टॉक है लेकिन अभी पैनी प्राइस में मिल रहा है हमको। लार्ज कैप सेगमेंट का मतलब जिसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लार्ज कैप की है लेकिन जो प्राइस है वो एक पैनी स्टॉक की तरह ही है। क्या निवेश करने का ये इसमें सही समय है या अभी और गिरावट रहेगी? ये भी स्टॉक ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ऑटो सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है और जिस तरह से ऑटो इंडेक्स में वीकनेस है, मुझे लगता है कि ऑटो इंडेक्स में अभी 200 पॉइंट के करीब और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है और उस केस में हमें एक छोटा सा फ्लक्चुएशन ऑटो स्टॉक्स के अंदर अगेन एक दो दिन देखने को मिल सकता है। बट नॉट श्योर, अभी मार्केट में कुछ ऐसा यू नो साइन नज़र नहीं आ रहा कि एक बड़ा रिवर्सल आया। बिकॉज अगर हम देखेंगे नैसडेक और डाउ में भी फ्राइडे की जो क्लोजिंग आई है एक अच्छी खासी रेड कैंडल क्रिएट हुई है, काफ़ी नीचे बंद हुए हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स भी काफ़ी गिरावट के दौर में है। सो ओवरऑल मार्केट में अगर हम देखेंगे, ग्लोबली अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट टेकिंग या वीकनेस का साइन हमें दिखाई देता है। तो आज चलिए इस स्टॉक के बारे में बात करते हैं। ये अगर मैं आपको कहूँगा कि एक बहुत बढ़िया स्टॉक है और आप इसको अगर यू नो अपने बच्चों के लिए अगर ख़रीदना चाहेंगे और SIP के माध्यम से छोटी छोटी क्वांटिटीज को ख़रीद के अपने बच्चों को अगर गिफ्ट देंगे तो ये स्टॉक उनकी लाइफ में कुछ बहुत बड़े ड्रास्टिक चेंजेस ला सकता है। चलिए स्टॉक के बारे में बात करते हैं। अशोक लेलैंड है इसका नाम और मुझे काफ़ी पसंद है ये स्टॉक। सबसे बढ़िया चीज़ जो है स्टॉक के बारे में वो ये है कि जिसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है और जो इसका जो बिजनेस सेगमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो एक बार हम लोग थोड़ा सा अशोक लेलैंड के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे सो दैट कि आपको टेक्निकल तो पता चल ही जाए, साथ में थोड़ा सा फंडामेंटली भी हम लोग। अशोक लेलैंड दिस वन, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है चीज़ों को जब हम लोग अब यहाँ पर कोई यू नो मार्केट में जहाँ एक बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट हो चुका है तो वहाँ पर कहाँ पर लेबल्स रहते हैं। 107.75 ये ऑलमोस्ट वही लेवल है जब एक्सेल लोड की न्यूज़ आई थी। एक्सेल लोड इंक्रीज करने की जब न्यूज़ आई थी तब भी अशोक लेलैंड 105-107 के रेंज में आया था, बट यहाँ पर इसने फ्राइडे को 101.65 का 52 वीक लो टच किया। ये एक बड़ी बात है क्योंकि आज इसने नीचे की तरफ फ्लक्चुएट होकर 52 वीक लो टच किया और ऊपर की तरफ बंद हुआ 107.75 पर और स्टिल अभी 14,540 नंबर ऑफ क्वान्टिटी जो है वो ऑफर में पड़ी हैं। BSE पे 103.2 का लेवल टच किया। सो ओवरऑल अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो लगभग 31,791 करोड़ की मार्केट कैप है जो कि लार्ज कैप का स्टॉक है ये। और इसकी इंडस्ट्री पीस 27.02 है, फेस वैल्यू 1 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी कि अगर हम देखेंगे यहाँ से स्टॉक पे तो जो इस सेगमेंट का स्टॉक है इसका अगर फेस वैल्यू 10 के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 1,000 रुपीज़ का स्टॉक है। तो यहाँ से थोड़ा सा मुझे और लगता है कि अभी कंसोलिडेशन की गुंजाइश है स्टॉक के अंदर और अभी प्राइस में कुछ और डिप्स आ सकती हैं क्योंकि जिस हिसाब से अगर हम बात करते हैं कि लिक्विडिटी की तो अच्छी खासी लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर अशोक लेलैंड की, ठीक है, और इसके चलते ही हायर लिक्विडिटी के चलते ही स्टॉक में कहीं ना कहीं जो प्राइसेस है वो स्लो बढ़ रहे हैं, ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। शेयर होल्डिंग की बात करते हैं, थोड़ा सा शेयर होल्डिंग हम आपको बताएंगे। ऑलरेडी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लगभग 45.5% जो है वो प्रमोटर्स के पास है, म्यूचुअल फंड्स भी लगभग 7.5% के आसपास म्यूचुअल फंड का निवेश है, फाइनेंशियल बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस 2.86% है, इंश्योरेंस कंपनीज का 1.21% है, जो QFIs हैं क्वालिफाइड फॉरन इन्वेस्टर्स वो 26.44% है। सो ओवरऑल बड़े निवेशकों का ही निवेश है स्टॉक के अंदर क्योंकि जो पब्लिक होल्डिंग है वो लगभग 10.29% की है, माइनस छोटी होल्डिंग है। ये बात आ गई इसकी, बाकी इसके फाइनेंशियल्स की भी बात कर लेते हैं एक बार आपको क्वार्टरली और वीकली नंबर, क्वार्टरली और एनुअल नंबर के बारे में। तो हम लोग क्वार्टर जून क्वार्टर की बात करेंगे नंबर कैसे हैं क्योंकि अब जो है वो सितंबर क्वार्टर के भी नंबर आने वाले। सो जून क्वार्टर में नंबर्स काफ़ी बेहतर दिए थे और टॉप लाइन तो काफ़ी अच्छी रही, 4237 करोड़ से बढ़ के 6250 करोड़ के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट 2000 करोड़ की जो सेल्स थी वो नेट सेल्स थी वो इंक्रीज़ हो गई क्वार्टर ईयर ऑन ईयर, यानी जून क्वार्टर 17 और जून क्वार्टर 18 में। अगर हम वाई यू वाई में और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करेंगे, मार्च क्वार्टर की जून क्वार्टर तक कंपेयर करेंगे तो उनकी सेल्स जो है डिक्लाइन हुई है। बट ऑटो सेक्टर में यही होता है कि हर क्वार्टर में सेल्स का दायरा अलग होता है। सो मार्च क्वार्टर में हमेशा सेल्स अच्छी रहती है, यही रीज़न है कि मार्च क्वार्टर की सेल्स जो है वो हायर थी मार्च 18 की और जून क्वार्टर की 6250 थी, बट YOY पर ओवरऑल काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है। साथ ही प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस की बात करेंगे तो एक वंडरफुल
यू नो डाउनलाइन जो कहना चाहिए कि डाउनलोड जो नंबर्स दिए थे इन्होंने, बॉटम लाइन जो नंबर दिए थे वो काफ़ी बेहतर थे। अगर हम बॉटम लाइन की बात करते हैं 2017 जून की, तो 160 करोड़ का टोटल इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस था, जबकि जून 18 में 521 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि ऑलमोस्ट 3 to 3.5 times जो है वो इनका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो गया। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, जो भी टैक्सेस वगैरह पेमेंट थे 151 करोड़ के टैक्सेस पेमेंट किए कंपनी ने, जबकि लास्ट ईयर केवल 49 करोड़ के टैक्सेस पेमेंट किए थे। सो ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट आया वो लास्ट ईयर जहाँ 111 करोड़ का आया था, वही इस बार 3 times आप मान लीजिए लगभग 370 करोड़ का। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस तो किसी भी तरह से परफॉर्मेंस इशू नहीं है कंपनी पर। हाँ, ऑटो सेक्टर में जो वीकनेस है वो एक रीज़न हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पहले आपको निफ्टी ऑटो इंडेक्स के बारे में दिखाएंगे कि निफ्टी ऑटो इंडेक्स का क्या हाल चल रहा है। सो दिस इज़ द निफ्टी ऑटो इंडेक्स। आप देखेंगे इतना अपना हाई टच किया 12,000 का लगभग 2nd ऑफ जून 2018 को, और उसके बाद से कंटिन्यूसली निफ्टी ऑटो इंडेक्स में गिरावट का दौर जारी है। ठीक है, और यहाँ पर 17 सितंबर के बाद तो कंटिन्यू फॉल आया, और जो निफ्टी ऑटो इंडेक्स है उसमें आप देखेंगे लोअर लो लोअर हाई बन रहा है। ट्रेंड रिवर्सल कितने टाइम में होगा ये देखने वाली बात है, बट जो बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है ये लगभग 8600 के पॉइंट के पास बन रहा है, और यहाँ पर हम 8600 का जो लेवल है निफ्टी ऑटो का वो बहुत स्ट्रांग और बहुत अच्छा लेवल मुझे नज़र आता है। फिलहाल 8915 का लेवल चल रहा है, यानी कि अभी लगभग 300 पॉइंट का अगर डिप ले सकता है तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी कि 300 पॉइंट का डिप भी पॉसिबल है अभी निफ्टी ऑटो में, जिसके परिणाम स्वरूप जो भी ऑटो शेयर्स होंगे उसमें भी एक लिटिल बिट फ्लक्चुएशन या थोड़ी गिरावट और संभावित है हमें लगती है। ठीक है, तो ये बात हो गई ऑटो इंडेक्स की। अगर हम मंथली बात करें ऑटो इंडेक्स की, तो मंथली इंडेक्स पे जो ऑटो इंडेक्स है वो मुझे लगता है 8900 के ऊपर ही बंद होगा अक्टूबर में, यानी कि इससे ज़्यादा इसमें गिरावट संभावित नहीं है। यानी कि 8950 मंथली चार्ट पे थोड़ा सा डिप लेगा, बट ओवरऑल जब तक अक्टूबर सीरीज़ का एंड होगा तो मुझे लगता है अक्टूबर सीरीज़ के एंड में जब एक्सपायरी आएगी तब तक आपको ऑटो इंडेक्स में तेज़ी देखने को मिल चुकी होगी, और 8900 या 9000 के ऊपर ऑटो इंडेक्स की क्लोजिंग हो चुकी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, जो कि तकरीबन 8500 या उससे लोअर 8000 के लेवल तक ऑटो इंडेक्स को जाएगी, बट मुझे नहीं लगता ऐसा नहीं होने वाला। फिलहाल मुझे लगता है कि 8900 को मेंटेन करके रखेगा मंथली कैंडल पे, और उसके बाद मंथली कैंडल पर जब 8900 मेंटेन हो जाएगा तो वहाँ से एक रिवर्सल और एक तेज़ी का पैटर्न आएगा, क्योंकि बिकॉज अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी काफ़ी नीचे आ चुका है ऑटो इंडेक्स अपने पीक से, तो अभी और ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। सो नाउ अब बात करते हैं अशोक लेलैंड के चार्ट की। ये रहा अशोक लेलैंड का चार्ट। डेली चार्ट पे पहले बात करेंगे हम लोग। डेली चार्ट पे आप देखेंगे कि जो लेवल है वो 106 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जो कि इसने ऑलमोस्ट इस लेवल पर टच किया लगभग 19 जुलाई को, जब एक्सेल लोड की न्यूज़ आई थी उस वक्त इसने 106 के लेवल को मेंटेन किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। अपसाइड में अगर हम बात करेंगे जो रेजिस्टेंस है वो 135 का है, यानी कि या तो ऊपर की तरफ 135 को क्लोज कर दे और क्लोजिंग दे दे क्रॉस करके, तब आप देखेंगे कि लगभग नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो लगभग तकरीबन हमारा यहाँ पर हो सकता है 150 की रेंज में हो सकता है, और उसके बाद जो फाइनल टारगेट रहेगा वो तकरीबन यहाँ रहेगा 165-166 की रेंज में। ठीक है, तो ओवरऑल कहाँ पर अशोक लेलैंड, 106 इज़ ए स्ट्रॉन्ग डेली सपोर्ट। अब मुझे लगता है यहाँ से जो क्लोजिंग है उसके नीचे नहीं जाने चाहिए। क्यों रीज़न? फिलहाल या तो बहुत बड़े वॉल्यूम से या कुछ बड़ी न्यूज़ से गिरावट आएगी। क्यों? रीज़न बिहाइंड कि ये जो दो दिन थे, एक 18 जुलाई जिसमें कि बड़ी कैंडल बनी और लगभग 12 करोड़ से ज़्यादा का वॉल्यूम ट्रेड हुआ, दूसरा 19 जुलाई जिसमें लगभग 13 करोड़ से ज़्यादा का वॉल्यूम ट्रेड हुआ, यानी कि ये दो दिन जब 12 करोड़ और 13 12 और 13 करोड़ यानी कि 25 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हुआ 18 और 19 जुलाई में, बट स्टिल इतने जो क्लोजिंग दी वो कितने पे दी, 105.7 पे, यानी कि 106 का लेवल जो भी है, तो क्लोजिंग इसने 105.7, तो आप इसका स्टॉप लॉस भी मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या मेंटेन करके रखना है। फाइनली ये 104 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके रखना है, लेकिन चूंकि ये कैंडल आज की नीचे की तरफ जर्क मारी तो दूसरा भी इसने सपोर्ट बना दिया, जो कि लगभग हो गया इसका फ्राइडे की क्लोजिंग का लो। ये फ्राइडे की क्लोजिंग का लो यानी कि 101.57 यानी कि 101.57 और 104.86 के बीच में
ये कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट को मेंटेन करेगा स्ट्रांगली, क्योंकि 18 और 19 जुलाई को जब हमने ये आप देखेंगे गिरावट थी, जब एक्सेल लोड की न्यूज़ आई थी, फिलहाल तो अभी तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है मार्केट में, केवल जो बिकवाली है वो हावी है और मार्केट में एक बड़ी गिरावट के चलते यू नो ऑटो सेक्टर में भी गिरावट आई है। और यहाँ पर आप देखेंगे जब एक एक्सेल लोड की बड़ी न्यूज़ आई थी तब जितने भी ऑटो शेयर से धराशायी हुए थे, जिसमें अशोक लेलैंड भी एक था, और उसने अपने पीक 129 और 130 के लेवल तक सीधे जो नेक्स्ट डे 19 जुलाई को टच किया था 105.7 का लेवल टच किया था। फर्स्ट सपोर्ट विल बी द 105.7 एंड द नेक्स्ट सपोर्ट विल बी द 101.57। ये दो सपोर्ट हैं जिनके बीच में प्राइस को रुकना चाहिए और वहाँ से रिवर्सल आना चाहिए अगर ऑटो इंडेक्स में और 200-250 पॉइंट की गिरावट आती है तो। ठीक है, ये आ गई बात डेली चार्ट की। उसके बाद एक रिवर्सल आएगा, एक तेजी आएगी जो कि स्टॉक को वापस 120-122 तक लेके जा सकता है, इसकी पूरी पूरी संभावना है। आज इसके अलावा वीकली चार्ट में बात करेंगे अगर आप, सो दोस्तों देखिए वीकली चार्ट पे भी मुझे लगता है कि तकरीबन स्टॉक में जो लोअर साइड जो मेंटेन कर रहा है वो 94-95, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर नीचे की तरफ गया तो 94-95 या 90 के लेवल भी आपको वीकली चार्ट में इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, अशोक लेलैंड में। लेकिन अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म की, अगर मंथली क्लोजिंग क्या आती है, क्योंकि अक्टूबर की जो एक्सपायरी है यानी अक्टूबर मंथ की जो क्लोजिंग है इस स्टॉक की, वो डिसाइड करेगी वेदर ये ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा। सो मंथली कैंडल पे हम लोग देखेंगे, और मंथली कैंडल में जो इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है उसकी अगर मैं बात करूँ आपसे, सो वन ज़ीरो एट पॉइंट थ्री एट। लेकिन मेरा मानना यह है जो इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए वो लगभग 112 के ऊपर होनी चाहिए। सपोर्ट मेंटेन करेगा ओवरऑल मंथली कैंडल पे 108 का, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर और गिरावट देखने को मिलेगी, यानी कि इस स्टॉक को तकरीबन 112 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग देनी चाहिए, जो कि स्टॉक में तकरीबन यहाँ मिलेगी इस पर 113-16 के ऊपर की क्लोजिंग आना चाहिए, नहीं तो इसमें और भी बेरिशनेस आएगी स्टॉक के अंदर। और अगर मार्केट ने 10,000 को ब्रेक कर दिया, मार्केट ने 10,000 को तोड़ दिया, तो अशोक लेलैंड भी वापस 70 के लेवल पर जा सकता है, 80 के लेवल पर जा सकता है। आप समझ लीजिए कि 80 के लेवल पर जा सकता है, क्योंकि आप इस कैंडल को देख रहे होंगे, इस रेड कैंडल को, इस रेड कैंडल ने 113 का लेवल ब्रेक किया नीचे की तरफ, देन उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है वो सीधे 80 रुपीज़ पे है। तो अगर अशोक लेलैंड में मंथली चार्ट पे यानी कि अक्टूबर एंड में आप जब लास्ट ट्रेडिंग डे को देखेंगे और स्टॉक का जो प्राइस आपको देखे वो 113 या 112 के नीचे है, देन आप समझ लीजिए कि अब स्टॉक में गिरावट का दौर रहेगा और आपको नीचे के लेवल मिल सकते हैं। दूसरी चीज आप यहाँ पर देखेंगे, इसने क्या किया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया मंथली कैंडल में, मंथली चार्ट पे हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर देखिए ये एक शोल्डर, उसके बाद ये हेड मेंटेन किया, और उसके बाद ये दूसरा शोल्डर आप देख सकते हैं, शोल्डर देन हेड देन अगेन दूसरा शोल्डर, और दूसरा शोल्डर जब बनता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है देन हमें वीकनेस देखने को मिलती है। तो या तो ये इस पैटर्न को बनाए नहीं, लेकिन अगर बना दिया इसने इस मंथली कैंडल में तो फिर आपको 80 रुपीज़ 85 रुपीज़ की रेंज अशोक लेलैंड में मिलेगी देखने को, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्योंकि यहाँ पर आप दो चीज़ें और भी हैं, ट्रेंड भी अगर आप देखेंगे तो ये जो एक लोअर हाई बना, एक हाई ये यहाँ पर था, ये हाई था लगभग 166 का हाई था, अब दूसरा हाई जो बना है वो ये बना हुआ है लगभग 134 का, तो लोअर हाई बना है और लो, अब आप एक लो ये है आप देखेंगे 112 रुपए का लो है, दूसरा लो इसके नीचे अगर बनता है 112 के नीचे अगर ये लो बनता है तब आप समझ लीजिए कि लोअर हाई और लोअर लो का ट्रेंड शुरू हो गया है एंड फिर स्टॉक आपको 80-85 की रेंज में मिलेगा। सो ओवरऑल फिलहाल आप अशोक लेलैंड में देख के चलिए, मुझे लगता है कि अगर अशोक लेलैंड ने यहाँ रिवर्सल नहीं दिया और स्टॉक में और वीकनेस आई और गिरावट आई तो फिर आपको 80-85 की रेंज भी अशोक लेलैंड में देखने को मिल सकती है, अनटिल एंड अनलेस जब तक स्टॉक मंथली चार्ट पे यानी अक्टूबर एक्सपायरी और अक्टूबर लास्ट ट्रेडिंग डे में ये 113 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता है अगर, तब आपको 80 के लेवल मिलेंगे। लेकिन अगर अक्टूबर एंड में इसने 113 के ऊपर की क्लोजिंग दे दी, रिवर्सल आ गया, देन ये फिर अपसाइड डायरेक्शन शो करेगा और वापस 160-165 की रेंज आपको दिखाएगा आने वाले 9 से 12 महीने में या जब भी मार्केट में रिवर्सल आएगा।
खैर तो ये अशोक लेलैंड के बारे में हमने बात की, जिन लोगों के पास होल्डिंग्स हैं अशोक लेलैंड की तो वो इन लेबल्स को बहुत ध्यान में रख सकते हैं और उसके हिसाब से आप स्ट्रेटजी बनाइए। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, अगर आपने अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने रिटायरमेंट के प्लान के हिसाब से इस स्टॉक में निवेश किया है तो अगर 80-85 का रेंज आता है तो आप वहाँ पर एवरेजिंग डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका शॉर्ट टर्म का टेन्योर है तो अगर ये 105 के नीचे की क्लोजिंग देता है वीकली कैंडल पे, 105 के नीचे की क्लोजिंग देता है वीकली कैंडल पे, आप एग्जिट कर जाइए, आप 80-85 पे दोबारा खरीद सकते हैं। सो दोस्तों, ये अशोक लेलैंड के बारे में बात की। ये भी एक दिग्गज शेयर है, लंबी अवधि में आपको बड़े मुनाफे कराने का इसके अंदर पूरा मादा है। लार्ज कैप का स्टॉक है लेकिन अभी प्राइस इसका पैनी है, तो पैनी प्राइस के स्टॉक जो लोग खरीदना चाहते हैं वो अशोक लेलैंड के साथ जा सकते हैं, आप वेट कर सकते हैं 80-90 रेंज का। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में जल्द ही कुछ और बेहतरीन स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि अपनी एक्चुअल मार्केट वैल्यू से काफ़ी 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 नीचे प्राइस पर चल रहे हैं, और वो स्टॉक कहां पर आपको खरीदने हैं ये हम आपको बताएंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए मनी ट्री पर। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अगर बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाएंगे और आप सही लेवल्स जान पाएंगे, सही लेवल्स पर एंट्री कर पाएंगे और एक अच्छा मुनाफा भी कमा पाएंगे। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, बट साथ में हम ये भी उम्मीद करते हैं कि किसी भी तरह के निवेश से पहले आप लोग अपनी एनालिसिस जरूर कीजिएगा। हम आपको किसी भी तरह से बाइंग या सेलिंग रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, हम आपको बहुत बेहतरीन बेस्ट टू बेस्ट लेवल्स बता रहे हैं जहाँ पर आप सोच सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आप आगे लेता हूँ आपसे, अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।